फैमिली, आज का जो ब्लॉग है वो है मैं ट्रेवलिंग टू मुसाखेल। तो मुसाखेल जाना है यार, गांव है, अपना शहर है, अपना इलाका है, ईद वहीं पे गुजारनी है हम लोगों ने। तो जो रास्ते में जो कुछ भी होगा मैं दिखाऊंगा आप लोगों को खुशी के साथ। तो चलते हैं। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं मैं और ज़ारा रिक्शा देखने। रिक्शा देखने, तो रिक्शा देखते हैं जबलनूर तक जाने के लिए। हाँ ज़ारा, हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई रिक्शा मिलेगा क्योंकि इतना सन्नाटा है यहाँ पे। देखो ज़ारा बेचारी कह रही के रिक्शा कहाँ से लाऊं। रिक्शा का मतलब खाली रास नस्त रिक्शा बस। आखिरकार रिक्शा मिल ही गई। हम पहुंच गए अपने पॉइंट पे जबलनूर और भी वेट कर रहे हैं गाड़ी का। उसने कहा कि हम आ रहे हैं तो वेट करते हैं, तब तक वेट ही करेंगे और क्या करेंगे। तो यहाँ से जो खूबसूरती नज़र आ रही है ना जबलनूर से ऊपर से, मतलब बहुत ही खूबसूरत हर जगह। और वो सीन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, देखाता हूँ एक मिनट। क्या कहते हैं लोरलाई तक। इस रास्ते में कोई स्टॉप नहीं था तो इस वजह से चेयर थी ज़ारा। मुसाखेल के, मुसाखेल का क्रॉस जहाँ पे हमने क्रॉस करना है मुसाखेल को 72 किलोमीटर से बाकी मुसाखेल हमसे आगे। तो रास्ते में जो खूबसूरती आती है और उसमें सबसे जो मेरी फेवरेट है वो है लंडे। उसकी वीडियो आप देख रहे हैं।
और इसके बाद कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, ये रहे हमारे फ्रेंड्स जो है काफ़ी अच्छे बंदे। उन्होंने कहा कि चलो घर चलते हैं आउटसाइड पे रोजमात के बाद गुलाबी पहुंचते ही फ्रेंड्स के साथ गपशप लगाए, मौसम भी अच्छा था। तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप लोगों ने तो देख लिया। तो इंशाल्लाह और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह मुसखेल पे, क्योंकि अभी आए हुए हैं, वैसे भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रख ले, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। और इसके बाद कहूँगा यही कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।